ये पांच क्रिकेटर गेंदबाज बनने आए थे लेकिन बन गए टॉप क्लास के बल्लेबाज। क्रिकेट के खेल में ऐसे कई क्रिकेटर हुए हैं जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन आगे जाकर यही गेंदबाज टॉप क्लास के बल्लेबाज साबित हुए। आज हम आपको ऐसे ही कुछ क्रिकेटरों के बारे में बताने वाले हैं जो गेंदबाज बनना चाहते थे लेकिन नियति ने उनको बल्लेबाज बना दिया। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से क्रिकेटर हैं। पहले नंबर पर आते हैं सौरभ गांगुली। भारतीय क्रिकेट के दादा कहे जाने वाले सौरभ गांगुली ने एक गेंदबाज के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। जब रणजी टीम में उनको लिया गया तो उनको बतौर मध्यम तेज गेंदबाज की कमी पूरी करने के लिए लिया गया था, लेकिन आगे जाकर सौरभ ने अपनी बल्लेबाजी से वो कमाल करके दिखाया जो हर बल्लेबाज का सपना होता है। सौरभ आगे जाकर भारतीय टीम के कप्तान भी बने और बतौर बल्लेबाज उन्होंने 113 टेस्ट मैच खेले जिनमें 42.17 के औसत से 7212 रन बनाए। इसमें 16 शतक और 35 अर्धशतक शामिल थे। वहीं सौरभ ने 311 वनडे मैच खेले जिसमें 22 शतक और 72 अर्धशतक की मदद से 11363 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मध्यम तेज गेंदबाज के रूप में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन एमआरएफ पेस एकेडमी ने उन्हें बल्लेबाजी पर खास ध्यान देने को कहा। उसके बाद का इतिहास दुनिया जानती है। सचिन ने इंटरनेशनल मैचों में 100 शतक लगाकर सबको हैरान कर दिया। उनके यही रिकॉर्ड उन्हें विश्व का सबसे महान बल्लेबाज बनाता है। तीसरे नंबर पर आते हैं केविन पीटरसन। इंग्लैंड टीम के बेहतरीन बल्लेबाज केविन पीटरसन ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत एक विशेषज्ञ ऑफ स्पिनर के रूप में की थी, लेकिन आगे जाकर उन्होंने अपने बल्ले से जो कमाल दिखाया वो काबिले तारीफ है। पीटरसन ने 104 टेस्ट मैच में 23 शतक लगाकर 8181 रन बनाए। वही 136 वनडे मैच खेले जिनमें 9 शतकों की बदौलत कुल 4440 रन बनाए हैं। चौथे नंबर पर आते हैं नासिर हुसैन। नासिर हुसैन इंग्लैंड के सबसे महान कप्तानों में से एक हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक लेग स्पिनर के रूप में की थी, लेकिन आगे जाकर नासिर ने बल्ले से इंग्लैंड को कई मैच जिताए। उनको बल्लेबाजी का विशेषज्ञ माना जाता है। नासिर ने कुल 96 टेस्ट मैच खेले जिसमें 14 शतक मारकर 5764 रन बनाए हैं। वहीं उन्होंने कुल 88 वनडे मैच खेले हैं जिनमें 16 अर्धशतक 21 शतक लगाकर कुल 2332 रन बनाए हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपने करियर की शुरुआत विशेषज्ञ लेग स्पिनर के रूप में की थी, लेकिन आगे जाकर उन्होंने बल्ले से कई कमाल दिखाए और पूरी तरह से एक बल्लेबाज बन गए। उन्होंने कुल 33 टेस्ट मैच में 11 शतक लगाकर 3095 रन बनाए। वही 64 वनडे में 4 शतक लगाकर 1726 रन बनाए हैं। यह है विश्व के वो बल्लेबाज जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन दुनिया इनको आज टॉप क्लास बल्लेबाज के रूप में जानती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री श्याम।